सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारी खास पेशकश चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हार्दिक बधाई। और आज का हमारा विषय भी गणतंत्र को ही समर्पित है। विषय हमारा आज का है कि गणतंत्र महान, परेड पर किसान। जी हां, कल हम सभी देशवासी मिलकर गणतंत्र दिवस मनाएंगे, हमारे संविधान के लागू होने की 70वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर तीनों किसान कानूनों के खिलाफ किसान संगठन ट्रैक्टर परेड निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 61 दिन पूरे हो चुके हैं और केंद्र सरकार और किसानों के बीच अब तक की सभी बातचीत बेनतीजा रही है। केंद्र के हर प्रस्ताव को किसान संगठनों ने ठुकराया और अब ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान संगठनों ने यह दावा किया है कि ट्रैक्टर परेड में करीब 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर हिस्सेदारी करेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी समेत अन्य राज्यों से किसानों के पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है। पंजाब के कई शहरों में परेड की रिहर्सल भी की गई है। कुल मिलाकर अभी अगर आप बॉर्डर पर जाएं तो हर तरफ ट्रैक्टरों का जमघट है। सरकार ने काफी हद तक कोशिश करती रही कि यह ट्रैक्टर परेड ना हो पाए। किसान संगठनों के साथ दिल्ली पुलिस की बातचीत चली और आखिरकार किसानों की व्यापकता को देखते हुए आखिरकार दिल्ली पुलिस ने इस परेड को 37 शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। तो कल देश पहली बार देखेगा, अभी तक गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर अमूमन राजपथ पर जवानों की परेड देखने का यह देश अभ्यस्त रहा है। यह पहला मौका होगा जब जवानों के साथ साथ किसानों की परेड का भी यह देश साक्षी बनेगा। लेकिन यह किसी उल्लास के तहत नहीं होने जा रहा है, बल्कि आशंकाओं के बीच इस प्रकार का आयोजन होने जा रहा है। हर तरफ एक आशंका सी है, एक माहौल के अंतर्गत अजीब किस्म की कसमसाहट है और वो कसमसाहट विभिन्न कारणों से है। किसान संगठन अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। पड़ोसी देशों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इस आयोजन के माध्यम से कहीं कुछ बिगाड़ने की कवायद चल रही है और सरकार जो ये मान रही थी कि ये आंदोलन कुछ दिनों में अपने आप में हवाई होकर खत्म हो जाएगा, उसकी बढ़ती ताकत सरकार को परेशान कर रही है। आज हम इसी मसले पर बात करेंगे और खासतौर पर बात करना इसलिए जरूरी हो गया है कि किसान संगठनों ने इस ट्रैक्टर परेड के साथ साथ अपना भावी कार्यक्रम भी घोषित कर दिया। किसान संगठनों ने साथ ही यह कहा है कि अब वह 1 फरवरी को देश की संसद की ओर पैदल मार्च करेंगे, उस 1 फरवरी को जब देश का बजट संसद में प्रस्तुत होगा। तो इस बिगड़ते माहौल में, बदलते माहौल में क्या कुछ उम्मीद देश रख सकता है और इस ट्रैक्टर परेड के मायने क्या है, इसी पर आज हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र किसानों के मसीहा के तौर पर पहचाने जाने वाले सर छोटू राम का दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान को लोग अन्नदाता तो कहते हैं, लेकिन यह कोई नहीं देखता है कि वह अन्न खाता भी है या नहीं। जो कमाता है वही भूखा रहे, यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। सर छोटू राम ने आज से 70-80 साल पहले किसानों की वेदना को अपने इन शब्दों में व्यक्त किया था। संभवतः यह बयान आजादी से पहले के दौर का था, पर 73 साल की आजादी और 70 साल के गणतंत्र के बाद भी किसान अपने पेट की भूख के लिए जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। तो ऐसे में उसके आंदोलन को कहीं ना कहीं सहानुभूतिपूर्वक देखने की जरूरत तो महसूस होती है। और इसी दृष्टिकोण के साथ में अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि गणतंत्र महान और परेड पर किसान, इसके मायने क्या है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के किसान नेता और मध्य प्रदेश के ही कृषि मंत्री कमल पटेल इस चर्चा में खास तौर पर मौजूद हैं। इस देश में 3 किसान नेता एक अलग ही दृष्टिकोण से आजादी के बाद देखे गए, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल और महेंद्र सिंह टिकैत। उन्हीं चौधरी देवीलाल की विरासत के एक उत्तराधिकारी अभय सिंह चौटाला भी इस चर्चा में खासतौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में वो विधायक हैं, परसों उनके पूर्व विधायक होने की बहुत कुछ संभावना है जैसा केंद्र सरकार का रवैया दिख रहा है, पर अभय चौटाला जी इस समय हमारे साथ चर्चा के लिए खासतौर पर मौजूद हैं। हमारे साथ देश के जाने माने सौम्य पत्रकार राहुल देव जी भी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं और कुछ ही देर में हमारे साथ में नरेश टिकैत भी होंगे जो इस किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम अभय सिंह चौटाला जी से करते हैं। अभय चौटाला जी से इस चर्चा की शुरुआत का कारण यह है कि ट्रैक्टर परेड तमाम किसान कल दिल्ली की सीमा पर निकालेंगे, पर अभय चौटाला पिछले कुछ दिनों से ट्रैक्टर लगातार चला रहे हैं और अपना इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष को भेजे हुए हैं। उनसे समझना चाहते हैं कि इस ट्रैक्टर रैली के माध्यम से कल किसान क्या साबित करना चाह रहे हैं
और इस रैली से क्या कुछ हासिल कर लेंगे अभय जी? आप तो राजनीति को इतनी करीब से जानते समझते हैं, क्या कुछ निकलने वाला है इससे? जो 26 जनवरी को ही ये आयोजन करने की जिद किसान संगठनों ने थामी और सरकार कह रही है कि कम से कम आज के दिन तो ऐसा नहीं करना था। जो सरकार में बैठे लोग जो लगातार किसान को इस सारे एजिटेशन को लिंगर के लिए एक नया तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला कि रोजाना मीटिंग के बहाने से हर तीसरे चौथे दिन का समय लेकर के और इसको किसी तरीके से लिंगर ऑन करके सारे इश्यू को और यहां बैठे हुए किसान को परेशान करके कहीं वो वापिस जाने पे मजबूर करने का एक प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान जब बारी बारी से इस तरह से समय बर्बाद किया जा रहा था बजाय उनकी बात सुनने के, किसान ने तो शुरू में जा सकते सीधे तौर पे प्रधानमंत्री जी के सामने एक बात रखी थी जी कि आपने जब कानून बनाई किससे क्या तब आपने किससे पूछा, कौन से संगठन से आपकी बात हुई, किस संगठन ने आपको चल करके आकर के इसकी डिमांड करी? आपने बिना पूछे बिना कोई किसी संगठन से बात किए बिना इस लॉकडाउन में इस तरह के 3 कानून आपने बना दिए जिसकी वजह से आज पूरे देश का किसान जो है परेशान हो गया। वो अपनी बात कहने के लिए पहले अपने अपने स्टेट के अंदर एजिटेशन कर रहा था, पहले उनको जगह जगह बैरिकेड्स लगा करके रोका जा रहा था। जब उन्होंने इकट्ठा होकर के सामूहिक होकर के दिल्ली की तरफ कूच किया तो किस तरह से उनको रोकने का काम किया गया और उन्हें मजबूर कर दिया बैठने के लिए। 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष तक के बुजुर्ग, 5 वर्ष का बच्चा भी आज उस एजुकेशन का हिस्सा और 85 वर्ष का बुजुर्ग भी आज उसका हिस्सा है। किसान ने एक दिन भी कहीं कोई भड़काऊ बात नहीं की, सब लोगों ने शांति के साथ बैठ करके देश के प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, बारी बारी कहा कि आप हमें सिर्फ ये समझा दो कि आपने कानून बनाने से पहले किससे चर्चा करी, किसने आपसे डिमांड करी, किस कभी इस इश्यूज को लेकर के पूरे देश में कभी किसी संगठन ने एजुकेशन किया, किसी ने आपसे आकर के डिमांड करी, आपसे भी नहीं, आपसे पहली वाली सरकारों से नहीं करी। तो आप क्यों किसान की जमीन को छीन करके कॉर्पोरेट हाउस को देना चाहते हो, इसलिए आज उसको मजबूर कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए, इसलिए आज उसकी मंडी को आप खत्म कर रहे हो, आप कहीं एक सेक्टर के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इस देश के 80% लोगों को जिन्होंने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिनके बच्चे आज देश की सीमाओं की पहरेदारी कर रहे हैं, जो आज इस देश के लिए अपने बच्चों को फौज में भेजने का काम करते हैं और वो बच्चे फौज में इस देश की सीमाओं की पहरेदारी करते करते बहुत सारे नौजवान शहादत देने का काम करते हैं, आप उन लोगों को क्यों परेशान करें? आप कोई ऐसा काम करो जिससे देश के हर व्यक्ति को आने वाले समय के अंदर आपकी सरकार आपके किए वायदे पूरे करके आप उनकी मदद करो। आज मदद करने का समय है, ना कि आज परेशान करने का समय है। परेशान तो 1 साल से सब लोग हो रहे हैं इस कोरोना की महामारी की वजह से, कितनी भी दिक्कतें लोगों के सामने आई हैं, लेकिन बजाय उनको किसी भी तरह की मदद करने के आप उन्हें परेशान कर रहे हो। तो परेशान करने के बजाय प्रधानमंत्री जी को कल के दिन जरूर इस बात पे फैसला लेना चाहिए कि लाखों किसान जो आज अपना ट्रैक्टर लेकर के बॉर्डर के ऊपर आए हुए हैं, जो ट्रेड की बात की कि हम ट्रेड करना चाहेंगे, क्या आप ये मुझे बताओ कि गणतंत्र दिवस जो है वो केवल सरकार का है क्या? उस गणतंत्र दिवस को हर व्यक्ति उसका हिस्सा बनना चाहता है। इस देश में तो पहला जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था उसकी पहली जो परेड थी वो ट्रैक्टर से ही निकाली गई थी, उसके किसान को बैठा करके उसको सम्मान दिया गया था कि इस किसान की वजह से हम आज आजादी हमें हासिल हुई है, उन्हीं के नौजवान बच्चों ने जाकर के लड़ाई लड़ी और उस वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ। तो उस आजादी के उस पर्व को भूलना नहीं चाहिए। अगर किसान अपनी मांग रखता है, अपनी बात कह रहा है, वो कह रहा है कि हम ट्रैक्टर लेकर के एक पूरा एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम किस तरह से आज परेशान है, हमारी बात को सुना जाए। आज भी उनके साथ बेईमानी की है सरकार ने, पहले कहा कि ठीक है हम आपको पेड़ के लिए जो है
अलग से एक रूट बता देंगे, आप उस पर जाकर के अपनी ट्रेड निकाल सकते हो जी। अब उसके सामने 37 कंडीशन लगा दी कि एक ट्रैक्टर पे एक आदमी बैठ करके जाएगा, उसके पास अपना कपड़ा भी नहीं होगा, ओढ़ने के लिए उसके पास कंबल भी नहीं होगा, मतलब किस तरह से उसको आप जो बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से आराम से अपना सारा कुछ घर बार छोड़ करके इस आंदोलन का हिस्सा बने, आप उसको उग्र करना चाहते हो क्या? आप उसको कोई ना कोई इस तरह के भावना में भड़काना चाहते हो क्या? अभय जी की काफी नाराजगी है सरकार के तौर तरीकों को लेकर, और कल की परेड के संदर्भ में भी जो शर्तें लगाई है उनको लेकर भी उनकी असहमति है। उन्हें लगता है कि सरकार ठीक तरीके से इस विषय को देख नहीं रही है, किसानों के सम्मान और उनकी जरूरतों के संदर्भ में सही रुख नहीं रख रही है। हमारे साथ में नरेश टिकैत जी भी जुड़ गए हैं, लेकिन मैं कमल पटेल जी के पास चलता हूँ। कमल पटेल जी उस भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसने पहले इस आंदोलन को किसानों का आंदोलन मानने से ही इंकार कर दिया था, कुछ लोगों का बरगलाया हुआ, कुछ लोगों का बहकाया हुआ, आढ़तियों के द्वारा उकसाया हुआ आंदोलन मान रहे थे। पर बदलते बढ़ते ये आंदोलन का स्वरूप ऐसा है कमल जी, हरियाणा में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री 26 जनवरी के दिन अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार झंडा वंदन के लिए भी नहीं जा रहे हैं। किसानों के गुस्से, किसानों के आक्रोश, किसानों की नाराजगी का इतना असर जमीन पर दिख रहा है। आप सवाल करते थे कि पंजाब और हरियाणा के अलावा कहाँ हैं, आज उत्तर प्रदेश दहक रहा है, महाराष्ट्र में मुंबई के अंदर जो भीड़ देखी गई है वो बता रही है कि आग हर तरफ फैल रही है, किसानों का गुस्सा अब सड़क पर दिख रहा है। अब भी आपको लगता है कि आप लोगों के संभलने और अपनी राय अपना तरीका बदलने का समय नहीं आया है? हिमांशु जी हिमांशु जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 साल से 22 साल से मांग चली आ रही थी कि किसान की खेती घाटे का धंधा है, किसान कर्ज में है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, और इसलिए किसान कानूनों में परिवर्तन होना चाहिए, किसानों को सुविधाएं देना चाहिए ताकि उसकी खेती लाभ का धंधा बने। और अभी तक कांग्रेस ने भी अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम अगर सरकार में आए 19 में तो हम किसानों के कानूनों में संशोधन करेंगे, ये बिचौलिए जो लूटते हैं, मेहनत करता है किसान और बिचौलिए कमाते हैं और किसान घाटे की खेती करता है, सभी लोग कहते हैं किसान की बात, मैं भी किसान हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने किसान की खेती घाटे से लाभ का धंधा बने, किसान की आय दोगुना हो इसके लिए 2022 तय किया कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुना करेंगे, और उसके लिए उन्होंने जो काम किया मैं बताना चाहता हूं आपसे, जो काम आजाद भारत में आज तक नहीं हुआ वो किया कि 6000 रुपए प्रति किसान सम्मान निधि दी जाएगी, पहली बार हिंदुस्तान के गरीब किसानों को 1,03,000 करोड़ से अधिक राशि उनके खातों में सीधी गई, एक पैसे का कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ, और वो लाखों किसान जो छोटे किसान हैं, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े या सामान्य के भी हैं, तो उन किसानों के खातों में हमने सम्मान निधि दी। एक तो हमारी नीयत अच्छी है, हमारी नीयत अच्छी होने के कारण हम किसानों को दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं किसान संगठन के जो नेता हैं उनसे भी और जो हमारे अभय भाई हैं वो मेरे मित्र हैं कि आज तक किसी सरकार ने दिया क्या? एक दूसरा, गांव और शहर मिलकर देश बनाए, शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, शहर के लोग व्यापार व्यवसाय उद्योग के लिए बैंक से ऋण ले सकते हैं, लेकिन गांव में आपका मकान और प्लाट लाखों नहीं करोड़ों का भी है तो आपको 1 रुपए की जमानत नहीं करा सकते, आप 1 रुपए का लोन नहीं ले सकते, आपको लिमिट नहीं मिल सकती, आप उद्योग नहीं लगा सकते। सिर्फ किसान को खेती करने के लिए मजबूर किया गया कि किसान खेती करे, मेहनत करे, यानी खाद बीज दवाई ट्रैक्टर हार्वेस्टर मोटर पाइप इंजिन इसके लिए तो हम बैंक से ऋण दिलाएंगे, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने केसीसी कार्ड योजना शुरू की, उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू किया, उसके पहले तो वो भी नहीं था। और तीसरा, पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने कहा 24 अप्रैल 2020 को कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की घोषणा की कि हमारे गांव और शहर मिलकर देश बना, गांव के लोगों की भी प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, इसलिए उनका ड्रोन कैमरे से सर्वे करा रहे हैं,
और सर्वे कराकर। कमल जी मैं माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए, आप प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना पर कम से कम 5 बार इस कार्यक्रम के अंतर्गत बता चुके हैं। अभी हम विषय पर केंद्रित रहते हैं, विषय इस बात को लेकर है कि 26 जनवरी के दिन देश भर से आए हुए किसान पहली बार ट्रैक्टर मार्च निकालने जा रहे हैं, 1 फरवरी को पैदल संसद के लिए मार्च करने वाले हैं, 12 दौर की वार्ता की केंद्र सरकार के साथ विफलता के बाद इस मोड़ पर यह आंदोलन आ रखा है। अब भी आप जैसे तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार नेता मानने के लिए तैयार है कि यह किसान आंदोलन है, या अभी भी आपको लगता है कि यह खालिस्तानियों का आंदोलन है, यह बरगलाए हुए लोगों का आंदोलन है, यह विरोधियों का उकसाया हुआ कुछ लोगों का प्रचार तंत्र है, या आपको लग रहा है कि विषय गंभीर हो गया है, सुलझना चाहिए, निपटना चाहिए, यह आपसे सवाल है। हिमांशु भाई, पहले दिन से मान रहे हैं कि विषय बहुत गंभीर है। देखिए, किसान इस देश की आत्मा है, किसान इस देश का जीवन दाता है, और ये गंभीरता को लेते हुए हमने ये कानूनों को संशोधन किया है और किसानों से इतनी चर्चा की है। लेकिन सरकार ये तय करने को मानने को तैयार था कि हम इसको स्थगित कर लेते हैं, आप अपना आंदोलन स्थगित कर दो, क्यों नहीं किया? किसान भी तो जो नेता है वो भी तो आए हुए हैं, क्योंकि पहली बार इस देश में विपक्षी पार्टियों को लगा कि यह मौका है किसान के नाम पर हम सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, इनको घेर सकते हैं, और इसलिए किसानों को बहकाया गया, भड़काया गया। मैं पूछना चाहता हूं, चलो मेरे यहां भी मैं कांग्रेस के नेता हूं, से पूछता कि 3 किसान कानून क्या है, इसके अंदर क्या कमियां बताई, हम दूर करने को तैयार है। कानून ही नहीं पता उनको, विरोध करने चल दिए। मैं कह रहा हूं कि इस कानून में जो मैंने कर रहा है, आबादी का मालिकाना हक दे रहे गांव वालों को। अब गांव के किसान के बेटे खाली खेती करने के लिए मजबूर नहीं होंगे, वो खेती के साथ साथ। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना को लेकर कहां विरोध है कमल जी, लेकिन आपने कहा कि इन्हें तो कानून ही नहीं पता है। मेरे साथ में नरेश टिकैत जी हैं, बहुत बड़ी विरासत के उत्तराधिकारी हैं, महेंद्र टिकैत के बेटे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किसान आंदोलन का बड़ा चेहरा है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश जी, हमारे साथ में कमल पटेल जी हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, पर अपने आप को मंत्री बाद में मानते हैं, पहले अपने आप को किसान का बेटा मानते हैं। उनका कहना है आप लोगों को कानून की वास्तविकता की जानकारी नहीं। मेरे आपसे 2 सवाल हैं, एक तो कमल पटेल जी का सवाल कि आप लोगों को कानून की जानकारी नहीं, खामखा में इधर धरने पर आकर बैठ गए, आंदोलन में बैठ गए, एक ऐसा है क्या? और दूसरा आपसे जानने में दिलचस्पी है कि कल के परेड के माध्यम से, ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से क्या हासिल होने की उम्मीद आप लोगों को है, जो इतनी बड़ी संख्या में आपने बॉर्डर पे लोगों को इकट्ठा कर लिया है? 2 सवाल आपसे। मैं एक तो बताऊं, कंटो समाधान का तो कुछ वो है ही नहीं जी। कंटो एक हमारा हमारी तिरंगा यात्रा है जी, जो हम इसे गांबू में मनावे, हम यहाँ जी से यहाँ भी मना रहे जी। तो कोई किसी उसका किसी पार्टी का झंडा नहीं, किसी का कहेगा नहीं, तो इसमें हम तो यही कह रहे बातचीत जी। तो कोई वो नहीं है, सरकार ने ये आंदोलन ऐसे तरह पर मोड़ पर खड़ा कर दिया जी। ठीक है, हम भी मान रहे हैं, बातचीत हो सके, कहीं कुछ भूल चूक किसानों पर भी होगी होगी, पर एक तो बताओ किसानों पर इस तरह के आरोप लगा के, इन आतंकवादी खालिस्तानी, आखिर को ऐसा ये भाजपा के ही हो है क्या, सब इन्हीं की जिम्मेदारी है क्या इस तरह के आरोप लगाने जी। हम तो यही क्या बातचीत के जरिए तो हल निकले, जब सरकार ने कानून बढ़ा दिया जी, इस वापसी जी, इसका इतना विरोध होगा, इतना ज्यादा विरोध होगा, तो इस वापसी ले लो, कहा की ऐसी हो रही बातचीत, अपने किसान भी उसमें चले जाएंगे, थोड़ी सी गलती महसूस कर ले भाई, चलो हमारे से भूल चूक में कानून बन गया, 3-4 महीने के बाद में इस कानून में बैठ कर मिल बैठ कर बातचीत कर लो, कहीं उसमें ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी जीत भी थोड़ा ही है बातचीत। किसानों के साथ में क्यों जीत कर रहे इतनी है, इनकी जीत का ही कारण है, मतलब यहाँ तक यह बात पहुंच ली पूरे देश में, यह चिंगारी इन्होंने बाढ़ दी जी। हमारे पर भी वो, हम भी कह रहे थे हम इतनी बड़ी पार्टी के साथ में टक्कर ले रहे थे, कुछ पार्टी ऐसा खत्म करेगी क्या पार्टी, हमें ऐसा हम नहीं रहेंगे, हम गोली का शिकारी हम हो गए, कोई और उठाओगे झंडे को, तो इन्होंने तो ना विपक्ष छोड़ दिया, ना कोई किसी की सुनने को तैयार, सब अपनी अपनी हद धर्म में कर रहे, ऐसा हमने तो सरकार बनवाई सारी बात है, हमारी नहीं सुनाई हो रही तो क्या करें हम जी। किसान बर्बाद कर दिया उन्होंने जी। जो मिल बैठ कर बात करे किसानों की हालत के, आज क्या किसानों की हालत हो रही, किस उस पर किसान कितने समय सौ तक जूझ रहा, कोई इनकी
इनकी तानाशाही, इस तरह की तानाशाही, ऐसा क्या ऐसी बात है? किसान बर्बाद होगा, ठीक है, विकास में हम रोड़ा तो नहीं अटक रहे, कहीं कुछ भी बात हो, चलो अच्छी बात है, कहीं विकास भी कर रहे, ठीक है बातचीत, पर ये तो किसान का तो विनाश हो गया, किसान तो बर्बाद हो गया। आखिर किसान के वहां जाकर देखो किस तरह से इनका चूल्हा भी नहीं चल रहा, सारी वो होगी बातचीत, किसान तो बर्बाद हो गया। टिकैत साहब, मेरी आपसे सवाल ये है कि आपने पूरे देश भर से किसानों का आह्वान किया कल के परेड के लिए, बताया जा रहा है कि तकरीबन 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर आ गए हैं अभी तक दिल्ली की सीमा पर, और दिल्ली की पुलिस ने आपको अनुमति दी है केवल 5,000 ट्रैक्टर निकालने की, और उस पर एक ही आदमी बैठेगा, कैसे करेंगे? इतनी दूर दूर से आपने लोगों को बुलाया है, तय कैसे करेंगे उन 20,000, 30,000, 40,000 लोगों में से 5,000 ट्रैक्टर कौन से निकलेंगे, कैसे संभालेंगे? अरे नहीं, ये तो कुछ नहीं बात है, तो बिना मतलब कि एक फेर भी हठधर्मी दिखा रहे किसान है, कोई कोई वो नहीं, कोई हमारी जिम्मेदारी, अगर किसी ने कुछ भी वो कर दिया जी, सड़कों पर जावे, दिल्ली पुलिस की भी जिम्मेदारी है, बोला ठीक है, जहां तक वो चिन्हित कर दिया मामला, कितने भी ट्रैक्टर निकलो उसमें ट्रैक्टर जाने चाह जी, उन्होंने सड़क तो खोल दी भाई यहाँ तक जा सके, उसमें यह क्यों वो कर रेस किया, क्यों सड़क लगा रहे भाई, उसमें ट्रैक्टर पे एक आदमी बैठा, क्यों बैठेगा एक अच्छा जो ट्रैक्टर पर बैठ कर अरे फिर अपना वापसी चले जाएंगे, छुट्टी कहा की क्यों काम काल चल, इसे भी प्रतिष्ठा की बात बना ली, यह सरकार फंसती जा रही, बिना मतलब अपने बुने जाल में फंसती जा रही है, ये हम इन्हें फिर भी सुना दे, एक अच्छे इंसान की तरह से पहले तो गलती मान लो, जिन्होंने ये आरोप लगा रखे किसान पे, मैंने रास्ता बता दूंगा, मुझे पता जी, हम इन्हें मैं रास्ता बता दूंगा, एक तो जुबान काबू में रख ले, गलत सलत ना बोल रहे, किसान नहीं सुनने का गलत बात, किसान का सिर्फ स्वाभिमान की बात है, अगर किसान का स्वाभिमान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, किसान का स्वाभिमान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सरकार अपना तरीका बदले, इस बात में नरेश टिकैत जी है। मैं राहुल देव जी के पास जा रहा हूं, और राहुल देव जी आपसे समझना चाहता हूं, जिस मोड़ पर यह आंदोलन आ गया, और कल 26 जनवरी के दिन जवान और किसान एक राजपथ पर परेड करेगा, एक आउटर रिंग रोड की तरफ में जो तय किया है दिल्ली पुलिस ने उस पर निकलेगा, इस दृश्य को लेकर कितना गौरवान्वित या कितना आशंकित राहुल देव का पत्रकार मन और भारतीय मन है? देखिए, मैं नहीं समझता कि किसानों को और किसान नेताओं को इस आंदोलन में जो शामिल हैं उनको छोड़कर कोई भी भारतीय इस पर गौरवान्वित महसूस कर रहा है, आशंकित जरूर महसूस कर रहा है, सभी कर रहे हैं, खासतौर पर जो दिल्ली में रहते हैं जी, गौरवान्वित निश्चित रूप से महसूस करते हैं। और मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता कि ये एक वार्षिक आयोजन होता, कि पहले एक सेना की और बाकी सरकार की परेड निकलती, और उसके बाद किसानों की या हमारे नागरिकों की एक परेड, स्वतः स्फूर्त, लेकिन केवल गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता की भावना के अनुरूप और केवल उसी के लिए ऐसे निकलती जी। बहुत अच्छा होता, वो किसानों को भी इसमें शामिल किया जाता, किसान भी इस स्वाभिमान और इस गौरवमयी परंपरा और इस दिन में शरीक होते जी। लेकिन ये जो कल होने जा रहा है, यह तो सबको पता है कि यह दबाव बढ़ाने और दबाव डालने की रणनीति के तहत किया जा रहा है जी। ये कहना बहुत इतनी मासूम बात है कि वो तो केवल तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, उसका किसी और चीज से कोई संबंध नहीं है, इस पर शायद कहने वाला ही यकीन कर सकता है, शायद उनको भी नहीं होगा, क्योंकि असलियत सा हम सब जानते जी। तो ये एक अच्छा, मैं कहूंगा कि इसको थोड़ा भविष्य की दृष्टि से भी देखें जी। इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, और मैं सबको बधाई देना चाहता हूं किसानों को कि निरंतर 31 दिन 30 दिन का शांतिपूर्ण आंदोलन, गरिमापूर्ण आंदोलन रहा है, वो अभिनंदन के पात्र हैं। लेकिन कल की ये शुरुआत, ये आगे भविष्य के लिए किस तरह के, किन किन तत्वों के लिए, किन कार्रवाइयों के लिए कैसे द्वार खोलेगी, ये हम अभी नहीं जानते जी। और ईश्वर न करे कि कल कुछ गड़बड़ हो गई और दिल्ली पुलिस के आयुक्त ने यह कहा है कि कुछ लोग हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जो इसका फायदा उठाना चाहते हैं, गड़बड़ फैलाना चाहते हैं, सारी कोशिशों और सावधानियों के बावजूद, उससे किसका फायदा होगा, देश का होगा क्या, किसानों का होगा क्या, सरकार को तो छोड़िए ये, और एक बिल्कुल नया अध्याय खुल जाएगा जन दबाव बनाने का। और अभी कल ये पूरा भी नहीं हुआ, और बजट
बजट वाले दिन पैदल मार्च का ऐलान, संसद पे घेराव का एक तरह से मार्च का ऐलान कर दिया है। तो मैं समझता हूं कि सारे देश के एक एक नागरिक को इस मुद्दे की गंभीरता समझ में आ चुकी है। सरकार को शायद सबसे ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि उसके लिए तो वोटों का सवाल है, उसके लिए तो अपने नैतिक और लोकतांत्रिक राजनीतिक आधार का सवाल है, अपनी नाक का भी सवाल है। लेकिन सामान्य नागरिक को भी समझ में आ रहा है कि यह कितना गंभीर मुद्दा बन गया है। तो अब इसकी गंभीरता जताने के लिए कुछ अलग से इस तरह के नाटकीय काम करने की जरूरत नहीं है। आप जब तक चाहे वहां बैठे रहेंगे, मुद्दा गंभीर बना रहेगा। राव जी, मैं माफी चाहूंगा बीच में रोकने के लिए, लेकिन आपने पूरी तरह किसानों को कटघरे में खड़ा कर दिया इस आयोजन के संदर्भ में। क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के या सरकार समर्थित तो उन तमाम नेताओं के बयान जिम्मेदार हैं इस आयोजन के लिए, जिन्होंने इस आंदोलन में खालिस्तानियों की शक्ल देखी थी, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग दिखाई दे रहे थे, इस आंदोलन के अंतर्गत देश विरोधी ताकतें दिखाई दे रही थी। किसानों ने एक रास्ता निकाला कि हमारी देशभक्ति आपसे कोई कम नहीं है, गणतंत्र दिवस पर हम भी झंडा लेकर तिरंगा निकलकर और भारत माता की जय बोलते हुए दिल्ली की सड़कों पर दिखाई देंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि सरकार से जुड़े हुए लोगों की गैर जिम्मेदारी ने या इस आंदोलन को कमजोर दिखाने की कोशिश के चलते ऐसे बयान दिए जिसके चलते बात यहां तक आ गई, इसके लिए आप कोई जिम्मेदारी तय करेंगे? राहुल जी, मैं इसी का जवाब दे रहा था कि शुरुआती दौर में इस तरह के मूर्खतापूर्ण बयान दिए गए हैं और ये शर्मनाक बयान थे जी। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब पिछले 10-15 दिन से इस तरह की कोई गंभीर, कोई वरिष्ठ नेता इस तरह की कोई बात कह रहा है। छुटभइयों की कोई, उनके ऊपर कोई किसी का नियंत्रण नहीं होता जी। मैंने पहले ही कहा कि सारे देश को इसकी गंभीरता समझ में आ गई है जी। और मैं अभिनंदन कर चुका हूं किसानों का कि उन्होंने जितने शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से इसको अब तक चलाया है। तो जी, ये वो जो वो ये एक दौर है, इसमें शुरू में निश्चित रूप से बीजेपी के नेताओं से इस तरह की बात उन्होंने बातें की हैं, बिल्कुल मूर्खतापूर्ण थी और बहुत ही गलत थी, और उनको एक जो दंड बोलना चाहिए वो मिल सकता है, वो उनको दिया जाना चाहिए। एक सवाल आपसे और है मेरा राहुल जी, मैं अभय चौटाला जी के पास जाऊं उससे पहले, 12वें दौर की बातचीत, जो वस्तुतः 11वें दौर की बातचीत थी, क्योंकि पहले दौर में तो कोई बातचीत हुई नहीं क्योंकि कृषि मंत्री आए नहीं थे, वो बातचीत बड़े खटास भरे माहौल में खत्म हुई है या कहें कि टूट गई है। कृषि मंत्री देश के नरेंद्र सिंह तोमर स्पष्ट तौर पर कह चुके हैं हमारे पास देने के लिए इससे बेहतर कोई प्रस्ताव नहीं, इस प्रस्ताव पर अगर सहमत हो तो कभी भी बैठ लेंगे। ऐसी परिस्थिति में एक बड़ी संख्या में आए हुए आंदोलनकारियों के पास में क्या कोई और विकल्प रह जाता है दबाव बढ़ाने की कोशिश के अलावा? आपको आपत्ति है कि वो 1 तारीख को संसद की ओर मार्च क्यों कर रहे हैं? आपका तो इतना लंबा बतौर पत्रकार तजुर्बा है, क्या आप पहली बार देख रहे हैं कि लोगों ने अपनी मांग के संदर्भ में संसद की ओर कूच किया हो? तो फिर आपको किसानों के आह्वान पर इतना एतराज क्यों है? कोई एतराज नहीं है, मैंने तो कहा कि कितना अच्छा होता ऐसा होता, लेकिन ये जो जिस तरीके से चल रहा है, कोई भी संसद को की ओर जाने का वाला और आजकल जिस तरह का माहौल है उसमें जो संभावनाएं और आशंकाएं हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। विरोध प्रदर्शन तो हमारा सबका, हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है जी। और उसमें जुलूस निकालना, उसमें घेराव डालना, उसमें मार्च करना, ये सब उन अधिकारों में शामिल है जी। लेकिन कहीं देखना पड़ेगा कि उससे किसका सापेक्ष लाभ, लाभ और हानि का भी विश्लेषण करना पड़ेगा, लाभ हानि का विश्लेषण करना पड़ेगा। राहुल देव जी कहीं ना कहीं चिंतित उस बात को लेकर है कि जो माहौल बड़ा शांतिपूर्ण है अब कहीं वह कोई दूसरा स्वरूप ना ले ले। इस रोशनी के बीच में मैं एक बार फिर अभय जी के पास में रुक करता हूं। अभय जी, आपसे जानने में दिलचस्पी है दो विषयों के संदर्भ में, कि कल का परेड का आयोजन क्या उपलब्धि दिला देगा जो आपको दिखाई देती हो, क्योंकि आप तो राजनीतिक हैं, आपके अंदर कुशलता है आने वाले समय का आकलन करने की, एक। और दूसरा, आपने खुद ऐलान किया हुआ है कि 26 तारीख तक अगर कानून वापस नहीं लिए गए तो 27 तारीख को आप अपनी विधायकी छोड़ देंगे। आपके विधायकी छोड़ने से किसानों का क्या भला हो जाएगा? विपक्ष की एक आज संसद विधानसभा में गूंजने से रह जाएगी, एक आवाज जो किसानों के हित में बोल सकती थी वो पूर्व विधायक के तौर पर हो जाएगी। क्या हासिल करने वाले हैं आप अपनी विधायकी छोड़कर, थोड़ा समझाएंगे? मैं इस बात को आपको समझाऊं उससे पहले जी, राहुल जी ने जो भी कहा था जी, मैं एक चीज उनसे जानना चाहता हूँ जी। वो ये कह रहे थे कि दिल्ली के जो उपायुक्त जी
उन्होंने कहा है भी कुछ ऐसे शरारती लोग इसमें हैं जो इस ट्रेन में माहौल खराब कर सकते हैं जी। तो अगर उनको इस तरह की जानकारी है तो उन्होंने उन लोगों को आइडेंटिफाई क्यों नहीं किया जी। उन लोगों के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी। आज तो अगर कहीं भी कोई छोटा मोटा इस तरह का आदमी पकड़ा जाता है या उसके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो जगह जगह बैरिकेड लगा करके उसको, बहुत से ऐसे साधन आपके पास है जिसकी वजह से आप उनको जाकर के काबू पा सकते हो। ये बात आज क्यों चर्चा में है, ये चीज पहले क्यों नहीं आई? पहले तो कभी आतंकवादी कहा गया, कभी राष्ट्र विरोधी कहा गया। जो किसान आज अपनी डिमांड के लिए आया हुआ है, जिसका बेटा देश की रक्षा कर रहा है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सोचना चाहिए पहले कि आप क्या कह रहे हो, देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो, किसकी पैरवी कर रहे हैं बैठ करके। आप स्वतंत्र रूप से बात करो जो अच्छा लगे। दूसरी बात रही पटेल साहब की, मंत्री जी की, उन्होंने कहा कि जो आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जो लोग, उनको उन तीन कानूनों का पता ही नहीं है, वो हमें समझा दें, हम उनकी बात को मान लेंगे। तो पटेल साहब आप चर्चा कर सकते हो सिर्फ आकर के, आप उस कमेटी के सदस्य नहीं हो जो बैठ करके इन कानूनों के बारे में चर्चा करते हैं। आपको अगर सारी चीज कोई समझाएगा, आप अगर उससे सहमत हो जाएंगे तो फिर आप कैसे जाकर के इसका समाधान करा दें? आपकी बात को कौन सुनेगा? अगर आप इतने बड़े किसान लीडर हैं, अगर आप इतने ही ज्यादा किसान के हितैषी हैं, तो फिर देश के प्रधानमंत्री को तीन मेंबर्स की कमेटी में आपको जरूर डालना चाहिए था। ये सिर्फ चर्चा का विषय नहीं है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज जो किसान वहां पे आया हुआ है वो कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा, उसकी वजह से आप आज अलग अलग राज्यों के अंदर आपने अपनी सरकारें बनाई है। जो आपको बनाना जानता है वो कल आपको उस पद से वापिस भी नीचे लेकर के आ सकता है। हालात आप हरियाणा में देख लें, हमारे आज हरियाणा में आपकी गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट होने के बावजूद आज आपकी पार्टी की स्थिति ऐसी है कि आपकी पार्टी का कोई एक MLA, कोई मिनिस्टर, आपका चीफ मिनिस्टर किसी गांव के कार्यक्रम में नहीं जा सकते, किसी शहर में जाकर के कार्यक्रम कर नहीं सकता। यहां तक भी इस गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें वो जाकर के अपना तिरंगा नहीं फहरा सकता। तो इससे ज्यादा बुरी हालत और सरकार की क्या हो सकती है? वहां कोई उग्रवादी छोड़े हैं जो जाकर के उनका विरोध कर रहे हैं? वहां कोई नक्सलाइज छोड़े हैं? वो सारे किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, जो अपनी उस जमीन से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, जो पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। आप उस किसान को बेइज्जत ना करो, आप उसकी इज्जत करो। आप किसान के घर में पैदा हुए, आप फिर हमारी मित्रता है, ठीक है। आप किसी मजबूरी वंश आज ऐसी पार्टी में शामिल हो जिस पार्टी का एजेंडा सिर्फ एक है कि चंद घरानों को लाभ पहुंचाया जाए, और इस देश के जहां अनेक ऐसे पृष्ठस्थान थे जिनसे पैसा आता था, सरकार को रेवेन्यू मिलता था, आज उनको उन्होंने प्राइवेट कर दिया, चंद लोगों के हाथों में उनको बेच दिया। आज जो इस देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला था, जिसने इस लॉकडाउन के दौरान आपकी आर्थिक जो स्थिति थी देश की उसको ठीक किया, आज उसकी जमीन पे भी आपकी सरकार की निगाहें पड़ गई। आप उससे छीन करके उन कॉर्पोरेट हाउसेस को देना चाहते, आप थोड़ा सा इस पे ना एक किसान के नाते सोच करके देखते कि किसान कितना परेशान है। जहां तक सवाल था, आपने कहा था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करी, उसका नतीजा देखो ना, आपके गुजरात के अंदर जहां देश के प्रधानमंत्री ने शुरू करी थी वहीं पे ही सरकार को विड्रा करना पड़ा। क्यों करना पड़ा विड्रा? कि उसने कितने ही लोगों का पैसा जो किसान के खाते में आना चाहिए था, वो किसान के खाते में आने की बजाय वो सारा का सारा पैसा जो है पूंजीपतियों के पास चला गया। आज उसका विरोध था, इसी वजह से इस तरह के स्टेप वापिस लेने पड़े। ये स्टेप भी वापिस लेना चाहिए, इसको वापिस लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। जहां तक मेरे इस्तीफे का सवाल है जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ पे जब एजिटेशन शुरू हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने
ये डिमांड करिए कि भाई हमें किसान के नाते सरकार के साथ खड़े होने की बजाय सरकार को करारा जवाब मिले, इसके लिए सरकार के खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए। मैंने विधानसभा के अंदर इस इश्यू को लेकर के जो कांग्रेस हमारी विपक्ष की पार्टी आज की डेट में, हम उम्मीद तो उससे करते थे कि वो इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी, लेकिन अभी जब इसकी जिक्र चला था कि ये इस तरह का कानून क्यों बनाया गया, किस लिए बना, प्रधानमंत्री जी से एक चीज और कहना चाहूंगा कि आपकी पार्टी खुद जो है बीजेपी ने 2012 में लोकसभा में भी और राज्यसभा में दोनों जगह यही ड्राफ्ट कांग्रेस ने करके आई थी, उसका आपने विरोध किया था, और विरोध किया कांग्रेस तो इसको चाहती थी कि ये लागू हो। आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने गुजरात के अंदर केएफसी जो कारखाना लगाना चाहती थी अपना बड़ा, उस कारखाने ने जिसने अपनी जमीन ले ली थी लेकिन उसको लाइसेंस नहीं दिया लगाने के लिए, उसको वहां से विड्रॉ करना पड़ा और उसको आकर के कहीं हरियाणा की गवर्नमेंट से बात करनी पड़ी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन उस वक्त आपकी पार्टी की बहन श्रीमती सुषमा स्वराज जी जैसे वो विपक्ष की नेता थी, उन्होंने बहुत डट करके विरोध किया। राज्यसभा के अंदर स्वर्गीय जेटली साहब उस वक्त आपके नेता थे, नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने बहुत बड़ा विरोध किया था, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इसका विरोध किया। कांग्रेस इसलिए कामयाब नहीं उसकी उसमें कि कांग्रेस के पास अपना बहुमत नहीं था, उनके पास सहयोगी लोग थे और उन सहयोगियों ने जब कहा कि भी हम इस तरह का कानून जो आप लेकर के आए जिसको आप लागू करना चाहते हो हम उसका विरोध करेंगे, इसलिए उन्होंने उसको लागू नहीं किया। आज आपने उठा करके उसी ड्राफ्ट को और इस लॉकडाउन के दौरान जब कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकल रहा था आपने इसको लागू करवाने का काम किया, तो इसके ऊपर आपने लागू कराने से पहले कानून बनाने से पहले जहां तक बात है कानून की, तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा की बात आप कर रहे हो, मैं आपके पास आ जाता हूँ, मेरे तो जितनी जानकारी है मैं आपके सामने सारी जानकारियां रखूंगा, आप मेरी बात से सहमत भी हो जाएंगे, लेकिन सहमत सिर्फ आप मेरे सामने अपने ड्राइंग रूम में हो सकते हो, आप पब्लिक भी उस बात पर सहमत नहीं होंगे, क्योंकि अगर आप सहमत होंगे तो देश के प्रधानमंत्री आपसे नाराज हो जाएंगे, आपका चीफ मिनिस्टर आपसे नाराज हो जाएगा। अगर गलती नहीं हुई है तो बारी बारी से ये प्रपोजल क्यों आ रही है आपकी तरफ से कि हम इसको 3 साल के लिए 2 साल के लिए रोक देते हैं और इसके लिए अलग से कमेटी बना देते हैं, आप बारी बारी ये क्यों कहते हो कि हम इसमें अमेंडमेंट जितने चाहते हो कर देते हैं, ये अमेंडमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब गलती है ना, तर्क आपका बिल्कुल आपने सर्वे स्वीकार किया आपके लोगों ने कि हम गलती के ऊपर हैं, लेकिन हम उस गलती को वापस लेके सुधारने के लिए हम उसमें अमेंडमेंट करके और इस पे सुधार करना चाहते हैं। किसान जो है वो ये कहता है कि आप इसको वापस ले लो, एक कमेटी बना लो, उसके बाद एमएसपी की बात है, आप एमएसपी की गारंटी दो किसान को, आप उसके लिए कानून बनाओ, आप कहते हम लिखित में दे देंगे, जब लिखित में देने को तैयार हो तो अभी फिर जो सेशन आ रहा है आप इसमें कानून बनाओ ना कि हम ये 23 जो आपके अनाज हैं इनके ऊपर। तो कई सारे मुद्दे अभय जी ने उठा दिए हैं, हालांकि मेरा उनसे 2 प्रश्न थे, उनके उत्तर मुझे स्पष्ट तौर पर मिले नहीं, उन्होंने काफी लंबी बात कही अभय जी ने, लेकिन कल के परेड के माध्यम से क्या साबित करना चाहते हैं किसान, ये बात के संदर्भ में अभय जी ने कोई टिप्पणी नहीं की, और उनके इस्तीफे से क्या हासिल होगा इस बात पर भी उन्होंने बात बीच में अधूरी छोड़ दी, शायद कभी मौका रहे तो हम उनसे समझेंगे कि उनके इस्तीफे से हासिल क्या होगा। लेकिन कमल पटेल जी के पास मैं चलना चाहता हूं और उस बात को लेकर जाना चाहता हूं जो बात अभय चौटाला जी ने रखी। अभय जी का कहना है कि जब आप इतने संशोधन के लिए तैयार, 1.5 साल और 2 साल तक के लिए कानून को स्थगित करने के लिए तैयार, तो तय बात है कि आपने मान लिया कि इसमें बात बन नहीं रही, गलती हो गई, तो सीधे मान करके हां हम इन कानूनों को नए स्वरूप में ले आएंगे वापस क्यों नहीं ले लेते, किस बात का भय या कौन सा अहंकार आपकी पार्टी को इस संदर्भ में फैसला लेने से रोक रहा है जो सरकार के संदर्भ में क्रियान्वित नहीं हो रहा, जानने में दिलचस्पी है आपसे कमल जी। और आप तो किसान हैं, किसानों की ताकत को थोड़ा हल्के से नहीं आंक रहे हैं, जिस तरीके से विस्तार हो रहा है आंदोलन का, जिस तरीके से संख्या बढ़ती जा रही है, क्या ये अंदर से कमल पटेल को डराती नहीं है कि किसान ही अगर इस देश का आपकी सरकार के खिलाफ हो गया तो आप जाएंगे कहां? देखिए, मेरे मध्य प्रदेश में हमने किसानों को ये जो कानून बने हैं ये किसानों के हित में है ये सिद्ध किया है, और उसके कारण हम चुनाव भी जीते। अभी उपचुनाव में ये मुद्दा बनाया था कांग्रेस ने
अभी कांग्रेस के लोग विरोध करने जा रहे थे, मेरी उनसे चर्चा हुई, जब मैंने इनको कानून समझाया तो वो वापस चले गए घर, क्योंकि गांव को लोगों को तो अब किसानों को तो अब अवसर दिया है। अभी तक तो किसान फिर खेती करने के लिए मजबूर था, लेकिन अब किसान खेती के साथ व्यापार भी करेगा, व्यवसाय भी करेगा, उद्योग भी लगाएगा, और जो बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएगा, और इसलिए किसान हमारे साथ है। अब मैं हरियाणा पंजाब के बारे में ज्यादा जानता नहीं हूं, लेकिन मैं हरियाणा भी गया था, और जब मैंने इस कानून के बारे में एक वर्ग था उसमें बताया तो सब किसान समर्थन में हुए। ये अभय भाई भी गांव के, कमल जी मैं माफी चाहूंगा बीच में सवाल करने के लिए, आपसे जानना चाहता हूं, आप मध्य प्रदेश से चलकर हरियाणा पहुंचे, वर्ग को संबोधित किए, लोग राजी हो गए कि कानून बहुत अच्छा है, वहां आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, एक दर्जन से ज्यादा मंत्री हैं, वो हालत यह हो रखी है कि गणतंत्र दिवस के आयोजन में भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या माना जाए? वहां के लोगों में समझ नहीं, आपकी सरकार के मंत्रियों में और बाकी नेताओं में, जो समझा सकते हरियाणा के किसानों को कि कानून कितना बेहतर है, ना समझ लोगों की सरकार बनी हुई है वहां, क्या इस आधार पर समझे हम आपकी बात को? नहीं नहीं, मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं आपसे ही पूछता हूँ, और मैं सुनिए जी, मैं आदरणीय नरेश सिक्के जी से पूछता हूँ, अभय शाह भाई से पूछता हूँ, और आपसे भी पूछ रहा हूँ जी। मैं गांव का रहने वाला हूँ जी, मेरे गांव के अंदर 500 मकान है जी, लेकिन अभी तक आजादी के पहले से कई पीढ़ियों से हम रहते आए, भारत आजाद हो गया, 73 साल हो गए, आज तक हमको मालिकाना हक नहीं मिला, और अब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने गांव वालों को मालिकाना हक दिया है। सुनिए जरा मेरी बात को देखो, और अब मेरे मालिकाना मिलने से मुझे कोर्ट में जमानत में काम आएगी, लिमिट में काम आएगा, मेरे को लोन मिलेगा, तो लोन मिलेगा तभी सब्सिडी मिलेगी। तो मैं अगर गेहूं पैदा करता हूं, सुनिए जरा, एमएसपी कर रहे हैं, किसान को एमआरपी क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर मैं गेहूं पैदा कर रहा हूं, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा सामूहिक मिलकर किसान, तो हमको एमआरपी पे बेचने का अधिकार मिलेगा। मैं मैदा बेचूंगा एमआरपी पे, आटा बेचूंगा एमआरपी पे, बेसन बेचूंगा एमआरपी पे, क्या किसान के बेटे को अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो उद्योग लगा सके? लेकिन अभी तक जो कानून था उसके अंदर गांव की कोई प्रॉपर्टी नहीं, गांव वालों को कोई लोन नहीं मिलता। मैं फिर कह रहा हूं, गांव वालों को सिर्फ किसान को खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, बोले खेती करो घाटे की जो रेट में। और दूसरा, अब सिंचाई बढ़ गई है, उत्पादन बढ़ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, लागत बढ़ रही है और खर्चा आमदनी कम हो रही है, और इसलिए व्यापारी तो उतना ही है, और इसलिए व्यापारियों को बढ़ाने का काम किया है कि किसान की फसल को आज समस्या है उत्पादन को बेचने की। मांग और पूर्ति पर रेट बढ़ते हैं, मांग ज्यादा है पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेंगे, पूर्ति ज्यादा है मांग कम है तो भाव घटेंगे। व्यापारी मुट्ठी भर है, और माल हो गया, जैसे मेरा हरदा में 100 व्यापारी है, उनकी क्षमता एक दिन में खरीदने की 10,000 क्विंटल है, और माल मंडी में जाता है 20,000-30,000 क्विंटल। क्यों? क्योंकि सिंचाई बढ़ गई है, और इसलिए अब व्यापारी भी चाहिए अधिक से अधिक खरीददार, और इसलिए पैन कार्ड धारी को अधिकार दिया है कि अगर शहर का कोई व्यक्ति जिसको अनाज सीधा किसान से ले सके बिचौलियों के बजाय, तो किसान को भी 2 रुपए ज्यादा मिलेंगे और उपभोक्ता को भी 2 रुपए सस्ता मिलेगा, और इसलिए ये किसान के हित में। फिर मैं कह रहा हूं, और इसके बाद अगर हम किसान विरोधी होते तो 1,00,000 करोड़ जो किसानों के खातों में गए सीधा पैसा, ये क्यों देते गांव को? मैं माफी चाहूंगा कमल जी, आप बार बार इस बात को लेकर बड़े गौरवान्वित हैं कि हमने 6,000 रुपए साल के किसानों को देना शुरू किए सम्मान निधि के तौर पर, दान करके आप बहुत गौरवान्वित हैं, लोग आपसे दाम मांग रहे हैं उसके संदर्भ में चुप्पी साफ जाते हैं, जब आप एमएसपी पे लिखित गारंटी देने को तैयार हैं, इतना ही किसानों के प्रति सद्भाव है, इतना ही किसानों के प्रति सम्मान है, इतना ही किसानों को लेकर आप संवेदनशील हैं, तो एमएसपी का कानून बनाकर उन्हें दाम क्यों नहीं देने की गारंटी देते? केवल 6,000 रुपए का दान देकर आप अपने आप को दानवीर क्यों कहलाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे। दान नहीं दे रहे हम, किसान को संबल दे रहे हैं, ये गलत बात है कि हमने कोई दान की बात कही है। हम उन किसानों को, सुनिए जरा, किसान 100% में से 85% किसान 5 एकड़ से छोटे हैं, वो उनको सिंचाई नहीं है वहां तक, उनके पास खाद बीज के पैसे नहीं है, और इसलिए उनको संबल दिया है। अब चूंकि हरियाणा और पंजाब यहाँ के किसान सक्षम है, यहाँ की जमीन की वैल्यू बहुत है, और इसलिए इनके लिए 6,000 रुपए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश के किसानों को मायने रखता है, मेरे देश के किसानों को मायने रखता है, इनके लिए मायने रखता है, ऐसा कमल पटेल जी का कहना है। 6,000 रुपए की सम्मान निधि आपको सालाना देते हैं और तो भी आप ऐसी सरकार का विरोध करने के लिए सड़क पर आ जाते हैं, क्या ये आपको शोभा देता है नरेश टिकैत जी?
कमल पटेल जी का सवाल है, किसानों के लिए इतना कुछ करने वाली सरकार के खिलाफ आप सड़क पर आ गए? आप लोगों को थोड़ा भी सोचने का अवसर नहीं है कि किस सरकार के खिलाफ आप मैदान में उतर रहे हैं? हाँ नहीं, हमने एक जी 6,000 रुपए का हमने बहुत सामान खरीद लिया जी, कोई बंगला भी खरीद लिया, प्लॉट भी खरीद लिए, 6,000 रुपए में बहुत कुछ खरीद लिया हमने जी। इतना सरकार ने इतना काम कर दिया हमारे लिए जी। ये मैं फिर भी कह रहा हूँ, इस आंदोलन को दूसरे रास्ते पर ले जाना चाह रहे जी, किसान इसे दूसरे रास्ते पर नहीं ले जान देंगे जी। हम ये कह रहे हैं किसानों की बात सुने और अपनी गलती मान के अगर इस बिल को वापसी ले तो अपना ठीक है बातचीत, इतनी तो ही नहीं कर दी जी। हम यही कह रहे बातचीत इस बात को ज्यादा ना बढ़ावे, इस बातचीत को ज्यादा ना बढ़ावे। ठीक है जी, आप बार बार ये कह रहे हैं, लेकिन मेरा जो सवाल अभय चौटाला जी से था उसका मुझे उत्तर उनसे नहीं मिला, आपसे उत्तर की उम्मीद है। कल जो आप परेड निकाल रहे हैं, इससे क्या उपलब्धि आपको हासिल होगी बतौर आंदोलनकारी? थोड़ा इस पर रोशनी डालिए ना, कल की इस परेड के माध्यम से जिसको लेकर सबकी सांसें थमी सी हुई हैं, खासतौर पर जो लोग सरकार से जुड़े हुए हैं, क्या कुछ हासिल करेंगे कल आप अपनी इस परेड के माध्यम से? नहीं, हम अधिकार नहीं है क्या परेड निकालने का? हम काले झंडे निकाल लेगा इसका, जो ये 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है जी, इसका विरोध थोड़ा कर रहे हम जी। ये हमारी परेड में इतनी परेशानी क्यों बन गई ना जी? हमारे सबसे बड़ी तो यही तो देल है, अगर हमारी उसमें इतनी परेशानी बन गई हो, हम अधिकार नहीं है क्या अपने ट्रैक्टर को निकालने का जी? ये ऐसी इतनी जुबान जो इनकी हो रही, गलत पलट बोलना, गलत पलट वो करना, हम तो देख ही तो रहे जी। हम तो लोग लुट गए हुई, हम तो किसान के सम्मान का ही पता लगा कितना इनके मन में किसान का कितना सम्मान है, ये हर बात में किसान की बेइज्जती लग रही करण, और जितने भी ये बेइज्जती करू जाएंगे किसान इतना ही वो हो जाएगा, इतना ही विरोध जताऊंगा। पूरा भारत आज इस चपेट में है, शुगर का आवाज आ रही बंबई में, महाराष्ट्र में, कहीं भी देख लो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कहाँ कहाँ के आंकड़े लेंगे। थोड़ी सी एक ही बात है, ये फिर भी मैं इन्हें नहीं कह रहा, ये अपनी गलती मान लो, इसे बिल्कुल वापसी लेके और अपना पंडा चुका लो। एक बात और जान, नरेश जी आपसे एक और बात जाननी है, अभी आप पिछले 60 दिन 62 दिन से दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने आपको प्रतिबंधित किया हुआ है दिल्ली में आने से, पर अचानक आपने 1 फरवरी को संसद की ओर मार्च करने का ऐलान कर दिया है। अभी तक तो आप सरकार की या पुलिस की बात मान रहे थे, अचानक ये फैसला क्यों लिया? क्या कुछ ऐसा हो गया कि आपको लगा अब इनकी बात नहीं माननी और अपने अनुसार करनी है? नहीं, ऐसा एक तो बताओ, अपनी बात तो कहनी मोटी तो रुक कर होगा, करना ही पड़ेगा जी। इन सरकार की नहीं निगाह पड़ रही इसमें, तो हम सरकार की तो कोई मदद तो नहीं दे रहे। हम लोग कह रहे अपना, हम तिरंगा यात्रा निकाल कर हम अपने घर की तरफ चले जाएंगे, गवार तक चलेगी जब जरूरत होगी सरकार को, तो इसका एक विरोध प्रदर्शन ही तो है भाई। सरकार के विरोध में इस तरह की ये जो यात्रा निकल रही जी, तो कहीं ना कहीं सरकार, हम उस पर राजपथ से तो नहीं जा रहे जी, राजपथ में हम नहीं जा रहे, उसमें हम बाधा नहीं बनते। 11 बजे का इन्होंने टाइम दिया, 11 बजे निकाल लेंगे जी। क्या ऐसी बात होगी? कौन कहा ये पैदा कर रहे हैं हम अवरोध उनका भाई, उसमें राजपथ में से भी देख लेंगे आदमी जो कोई जाने वाले। ये खम खा गए, ड्रामे बना रहे हैं, इनका जो किसानों का सम्मान को उन्होंने ठेस पहुंचा, ये किसान इसे भूल लेते नहीं, किसान मानने के लिए तैयार नहीं है, ये नरेश टिकैत जी की बात स्पष्ट तौर पर दिख रही है। राहुल देव जी, आप तो कई आंदोलनों के साक्षी रहे हैं, आपसे जानने में दिलचस्पी है, नरेंद्र मोदी जैसा कुशल नेता जो जनता के मनोभावों को भांप कर कदम उठाने में जिसकी कोई सानी वर्तमान दौर में और किसी नेता की नहीं दिखती है, क्या वो नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी इस बार आकलन करने में कहीं कुछ चूक तो नहीं रहे?
राहुल देव ऐसा कुछ महसूस कर पा रहे या राहुल देवी को लगता है कि नहीं नहीं अभी भी उनकी कुशलता, उनकी दक्षता और उनकी श्रेष्ठता तीनों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो ठीक राह पर है? सवाल तो ठीक कुछ तकनीकी तौर पर हमें दिक्कत आ रही है। राहुल जी के पास मैं दोबारा रुख करूंगा, मैं एक बार फिर अभय चौटाला जी के पास चलता हूं और अभय जी से एक बार फिर अपने सवाल को दोहराता हूं। अभय जी आपसे जानने में दिलचस्पी है, आपका इस्तीफा किसानों के हक में क्या उपलब्धि ला देगा? इस सवाल का उत्तर जानने में सभी की दिलचस्पी है। आप समझ पा रहे हैं कि आपका इस्तीफा क्या दिला देगा? मैंने जो इस्तीफे का फैसला किया ना जी, वो मेरा अकेले का फैसला नहीं है जी, ये फैसला हमारी जो पार्टी है वो चौधरी जयलाल के नीतियों का आगे बढ़ाने वाली पार्टी है। हमने हमेशा जब कभी भी कमजोर वर्ग के लोगों के साथ किसी ने किसी सरकार में रहते हुए अन्याय किया, उसको दबाने कुचलने की कोशिश करी, तो चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद के ठोकर मार के आकर के उसकी मदद करी। आज की जो तारीख में किस तरह से इसके अंदर की सरकार ने किसान को इस माइनस टेम्परेचर के अंदर पिछले 60 दिन से बॉर्डर पे बैठने पे मजबूर कर दिया। अकेले बॉर्डर पे नहीं, आप कहीं भी जाओ हरियाणा में पंजाब में, आपको हर 5-7 किलोमीटर के बाद सैकड़ों सैकड़ों की हजारों हजारों की संख्या में महिलाएं बच्चे बड़े बुजुर्ग नौजवान बैठे मिलेंगे। और जब मैं उनसे मिला जी, तो मुझे एक चीज हर वक्त सुनने को मिली कि चौधरी देवीलाल तो जब कभी भी किसान की अनदेखी होती थी उसके बीच में आकर के खड़ा हो जाता था। अब की बार इस एजिटेशन में ये कहा गया भी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति आज जो है वो हमारे बीच में ना आए, तो मैंने ये फैसला किया मेरे साथियों के साथ बैठ करके कि अगर आज हम इस जिम्मेवारी में कहीं कोताही कर लिए तो फिर आने वाला समय जो है हमें माफ नहीं करेगा। वो कहेगा कि तुम चौधरी देवीलाल के नीचे में भरोसा रखने वाले, उनकी पार्टी को आगे लेकर के जाने वाले लोग, आप लोगों ने इस एजिटेशन के अंदर अपनी अच्छी भूमिका निभाने के लिए इन पदों को क्यों नहीं छोड़ने का काम किया? इसलिए उन लोगों को जिस ढंग से आज परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं ऐसे किसी भी विधानसभा का सदस्य नहीं रहना चाहता था जिस विधानसभा में इन कृषि बिलों को लेकर के सरकार केंद्र की सरकार की बढ़ाई करे और उनको सबसे पहले अपने स्टेट में प्राथमिकता के तौर पर लागू करने का काम। तो चौधरी देवीलाल जिस विरासत के लेकर चले थे उस विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी साबित करने के लिए अभय चौटाला उन्हीं के बताए हुए कदमों पर आगे बढ़ने की कोशिश में है इसके माध्यम से। बहरहाल मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं राहुल देव जी के पास जाने की, क्योंकि राहुल जी से मेरा सवाल बड़ा मौजूद था। राहुल जी से जानने में दिलचस्पी इस बात को लेकर है कि राहुल जी कहीं मोदी सरकार चूक तो नहीं गई इस आंदोलन की धार, इस आंदोलन की गहराई, इस आंदोलन की गंभीरता को समझ पाने में। 12 दौर के बाद जहां पर बातचीत रुकी है, क्या ये कोई भूल तो नहीं? मैंने शायद ऑडियो में कुछ गड़बड़ हुई थी इसलिए जी शायद आप सुन नहीं पाए, तो मैंने कहा था और अब कह रहा हूँ कि आवाज में कुछ अभी गड़बड़ है इसमें। जी अभी ठीक आ रही है राहुल जी। अच्छा, सरकार से जो बुनियादी गलती हुई है वो प्रधानमंत्री की गलती मानी जाएगी कि उसने जिस तरीके से जिस जबरदस्ती से बिना बहस करवाए संसद में ये कानून पारित करवाए वो बुनियादी गलती जी। अगर इस पर संसद में बहस हुई होती तो सरकार को भी अंदाज लग जाता कि विपक्षी दल और देश इस बारे में क्या सोच रहा है, किसान संगठन इस पर क्या सोच रहे हैं और वो उसमें कुछ बदलाव कर सकती थी। वो न करके एक असंसदीय तरीके से, और ये मानना पड़ेगा कि वो लोकतांत्रिक तरीका नहीं था, सरकार ने ये कानून पारित कर दिए और उसके बाद अब उसके हाथ में ये इस जटिल समस्या आ गई है जी। तो सुविधा है कि उसको समझ में तो आ गया कि बड़े फर्क है जी, किसान मानने वाले नहीं है, लेकिन अब एक सरकार के लिए और प्रधानमंत्री के लिए भी अपने बनाए हुए कानून को वापस लेना और वो उसकी एक प्रतिष्ठा का सवाल भी है
और उसकी विश्वसनीयता का भी सवाल भी है और उसकी, जैसे आपने कहा, उसकी समझ पर भी सवाल उठाता जी। तो और ये दूसरे मार्ग भी खोलता है। फिर अगर एक बार इस दबाव के आगे सरकार झुकी तो उसको पता है कि आगे फिर और दूसरी मांगों पे, दूसरे वर्गों की ओर से दबाव आएंगे। मुझे लगता है कि ये शायद सबसे बड़ी दुविधा है सरकार की, वरना इस कानूनों को बदलने के लिए, उनको किसानों के मासिक संशोधन करने के लिए तो तैयार है ही। वो तो कह रही है कि हम 1.5 साल रोक देंगे इसको, इनको लागू नहीं करेंगे, इस बीच में बातचीत करने को तैयार है। तो ये इन दो के बीच में सरकार फंस गई है। सरकार इन दो के बीच में फंस गई, लेकिन कुल मिला के फंसे रहने से तो बात नहीं बनती है। किसान जिस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं वो ये बताता है कि सरकार के पास में अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं रह गए हैं। लेकिन इस समझ के साथ क्या सरकार कोई फैसला समय रहते रह पाएगी या देश एक बड़े टकराव को देखने के लिए मजबूर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अनुत्तरित है। देखिए आने वाले समय में इसका उत्तर हमें किस रूप में मिलता है। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारे आज का शेर थोड़े लंबे हैं, दो हैं, लेकिन पूरी बात कहने के लिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमारा आज का शेर नहीं बल्कि हमारे आज के शेर ये कहते हैं कि लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, क्या पत्थर के हो गए हैं हम। उस बस्ती में हैं जहां धूप से धूप ज्यादा साए कम, अब जख्मों में ताव नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम। उसमें शकीरी ने जो ये शेर लिखा है ये किसानों की दशा और दिशा दोनों को व्यक्त करने के लिए एकदम मुफीद है। किसान लगातार अपनी परेशानियों को जिससे जूझने के लिए विवश रहा। हर सरकार ये दावा करती है कि वो किसानों की बेहतरी के लिए ही काम कर रही है, पर ये किस तरीके का काम है कि 7 दशक की आजादी के बाद भी किसान हैरान और परेशान है। इन 3 नए कानूनों के संदर्भ में भी सरकार का दावा तो यही है कि किसानों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए बेहद जरूरी है, पर जिस किसान की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव लाए जाने हैं वो किसान खुद सड़क पर आकर कह रहे हैं कि जैसे भी हैं पहले वो ज्यादा ठीक है, ये हमारी जिंदगी में बदलाव तो लाएंगे लेकिन वो सुनहरे नहीं बल्कि काले होंगे। सरकार की जिम्मेदारी है, वह एक लोकतांत्रिक सरकार का संचालन कर रही है कि किसानों की इन आशंकाओं को या तो समाप्त करें या इन कानूनों को समाप्त करें। देखें सरकार किस फैसले पर जाती है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। एक बार फिर आप सभी को बधाई गणतंत्र दिवस की। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आप सादर प्रणाम।